स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं ऑल सॉल्यूशन चैनल को। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आईफोन एसी टू या फिर एसी हो, आपके पास कोई सा भी मॉडल आईफोन में वैसे सेम रीसेट होने का तरीका है। मतलब आपको मैं सिखाने वाला हूँ आज इस मोबाइल को जो है रीसेट कैसे करते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस आईफोन को एसी टू को रीसेट कैसे करते हैं, और रीसेट करने का प्रॉपर तरीका बताऊँगा कि आपको रीसेट कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको रीसेट करना नहीं आता है तो इस वीडियो में एंड तक बना रही है। इस वीडियो में आज बता दूंगा कि आईफोन एसी या फिर 8 हो या फिर ये सेम आते हैं दिखने में, और इसको रीसेट कैसे करना है तो वो आपको मैं प्रॉपर तरीका बताऊंगा। आपको किस तरीके से रीसेट करना है, डायरेक्टली आपको रीसेट नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट रीसेट करोगे तो आपका फ़ोन जो है लॉक भी हो सकता है और कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले चले जाना है सेटिंग के अंदर। तो ये है, सबसे पहले मैं मॉडल दिखा देता हूँ आपको, ये मॉडल कौन सा है। आईफोन एसी एसी है, ठीक है, एसी सेकेंड जनरेशन है, एसी टू, और एसी सेम आता है, ठीक है, दिखने में दोनों ये मॉडल है। और आपके पास भी 7 8 कोई सा भी हो मॉडल, तो उसमें भी सेम तरीके से आप जो है रीसेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले क्या करना, ऊपर ऊपर जो है एप्पल आईडी होती है ना, वो एप्पल आईडी सिंक आउट कर देनी है। ठीक है, एप्पल आईडी हटाने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी डेटा जो हो वो आपको दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेना है, और फिर एप्पल आईडी हटा देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पर लिख रखा है, सिंपली जनरल में आपको चले जाना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको जनरल में चले जाना है, और जनरल में जाने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आएगा, देख सकते हो नीचे सेकंड नंबर वाला ऑप्शन, ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो रीसेट आईफोन पे आपको क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट इरेज ऑल कंटेंट एंड रीसेट सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। रीसेट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना, तो इससे आपके जो जितनी भी आपको जो प्रॉब्लम होगी, मतलब इसमें नेटवर्क रीसेटिंग और जो है सिस्टम रीसेट ऑल सेटिंग में ये होगा कि रीसेट जो अपनी मोबाइल की जो सेटिंग है ना वो रीसेट हो जाएगी। इसमें डेटा वगैरह कुछ क्लियर नहीं होने वाला है, आपका जो कीबोर्ड सेटिंग, ये सारी सेटिंग जो सेटिंग रीसेट हो जाएगी, इसमें आपका जो है ना मोबाइल रीसेट नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको आपको क्या करना है, नीचे इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको ये बता रहे इरेज करना है आपका आईफोन को, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड जो है डाल देना है, यहाँ पर पासवर्ड स्क्रीन पासवर्ड क्या है, तो मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हो इरेज करना चाहते हो, तो हाँ यस, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। और इरेज होने के बाद पूरा सेटअप बताऊंगा, सेटअप कैसे कंप्लीट करना है आपको, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सेटअप आपको कैसे पूरा सेट करना है वापस। तो ठीक है, इसको रीसेट होने देते हैं। आईफोन को रीसेट करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें होम बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे चुन लेना है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज चुनने के बाद क्या करना है, नीचे आईडी मांग रहा होना, तो वो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से ठीक करके दिखाऊंगा कि इसको आईडी जो है कैसे ठीक करते हैं, एप्पल आईडी को कैसे बिना डाले एप्पल आईडी को इसको इसके अंदर कैसे इसको मतलब सेटअप करना है। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और सेट पे कर देना है, और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, और यहाँ पे आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये वाईफाई कनेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का देखेगा आपको, क्योंकि जो है अपना सेटअप हो रहा है। सेटअप होने के बाद देख सकते हो डेटा एंड प्राइवेसी कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपको, और सेटअप कर देना है। टच आईडी अगर आप लगाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो लेटर पे आपको क्लिक कर देना है, डोंट यूज़ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप पासवर्ड डालना चाहते हो तो पासवर्ड डाल सकते हो, वरना यहाँ पे डायरेक्ट जो है डोंट यूज़ पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, डोंट यूज़ पे क्लिक करने के बाद नीचे चले जाना है, डोंट ट्रांसफ़र एनीथिंग, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और अब यहाँ पर मांग रहा होगा एप्पल आईडी, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ देख सकते हो फॉरगेट पासवर्ड, एंड इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो लोचा है दोस्तों यहाँ रहता है। अगर आपको एप्पल आईडी कुछ याद नहीं है तो यहाँ पे एप्पल आईडी वगैरह मांग रहा है, तो यहाँ पर अगर याद हो तो यहाँ पर डाल दो, अगर नहीं है, अगर डेरे बिना एप्पल आईडी के आपको फ़ोन जो है कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो फॉरगेट और डोंट हैव एन एप्पल आईडी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद सेटअप लेटर पेन क्लिक कर देना है, और डोंट यूज़ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर एग्री पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, इस इनेबल डिसेबल जो भी आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, बाकी इतना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें अंदर। और सेटअप लेटर कंटिन्यू पे डोंट शेयर, ओके, ठीक है, ये हो गया आपका सेटअप। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको कुछ इस तरीके से कम्प्लीटली जो है रीसेट करके कम्प्लीट कर दिया है, देख सकते हो। ठीक है, यह है आईफोन एसी टू, इसको रीसेट करके दिखा दिया है प्रॉपर तरीके से। अगर
वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।